कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जो बैक के बीच में यानी स्कैपुला के पास में जो दर्द होता है, ये उसकी कंप्लेन लेके आया है। और जिस तरह से तुमने मुझे कंसल्टेशन के टाइम प्रॉब्लम बताई थी, वही व्यूअर्स को बताओ। तो मतलब मेरे जो कमर का अपर बैक है, लोअर बैक है, स्टिफनेस बहुत रहती है। तो मैं सर के पास यही आया था पूछने कि पहले मैं रिकमेंडेशन लेना चाहता हूँ कि मुझे कराना क्या चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने जैसे देखा है कि ड्राई कपिंग होती है, नीडल होती है, तो उन सबसे अच्छा मुझे था कि पहले आप मुझे बताइए कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो वही है, इसलिए पहले मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अलाइनमेंट भी कभी कभी बॉडी में तो जो करे ना वो बेनिफिशियल नहीं होता है, बट पहले मुझे पूछना चाहिए आपसे इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि मुझे ड्राई कपिंग कर दो, ये कर दो। तो वही था, मेरी मदर का भी है ये प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा था कि शायद जेनेटिक तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भी है तो मुझे भी है, तो माइंड मुझे इतना पता नहीं, तो इसलिए मतलब हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई। तो जेनेटिक नहीं होता ये, जेनेटिक नहीं होता, बट ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जो ज्यादा झुक के बैठते हैं या काम करते हैं। फीमेल्स में कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वो जो हाउसहोल्ड जो भी काम करेंगी, दे विल ऑलवेज बी बेंडिंग। तो आपके साथ भी वही हो रहा है, वही हो रहा है। आपने देखा कि आप झुकने लग गए हो। तो इसको हम ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि किसी एक जगह पे, और जो लेमैन आदमी समझता है, कॉमन आदमी समझता है, नॉट हो जाना। सो नॉट का मतलब क्या होता है वो कोई भी कोई नहीं समझाता। यह बताते यहाँ पे गांठ बन गई है, तो गांठ नहीं होती ऐसी, गांठ कुछ नहीं बनती। गांठ तो बहुत खतरनाक होती जो हम जानते हैं कैंसर करे। ये क्या होता है, जब एक मसल का बार बार जोर डालते रहते हैं तो मसल टेंशन बढ़ता जाता है, इस तरह से मोटा होता जाता है, और वो जितना टाइट होता जाएगा उसके ऊपर एडिशन बनते जाएंगे। एडिशन यानी कि चाशनी। अच्छा, है ना, हम शुगर कैंडीज खाते हैं, जब वो गर्म होता है तो वो पिघला हुआ होता है, जब वो हार्ड हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सॉफ्ट हो जाता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो हार्ड हो जाता है। तो आपकी बैक को खींचता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर बैक के पीछे से कोई चाकू डाल रहा है। तो हम इसको क्या पता आगे यही जो मैंने आपको बताया। तो क्या होता है कि जिस तरफ की स्कैपुला, स्कैपुला का काम है मूव करना। जब आप हाथ को ऊपर चलाओगे तो स्कैपुला बाहर निकलती है, जैसे कि आप पुल अप करते हो या कोई चीज करते हो। जब ये स्कैपुला की मूवमेंट्स और कम होने लग जाएंगी, हम जितनी मसल हैवी करते जाएंगे, रेंजेस रिस्ट्रिक्ट होते हैं, पता है, मसल बढ़ने पे रेंजेस रिस्ट्रिक्ट होंगे तो जॉइंट्स भी कम चलेंगे, जॉइंट्स कम चलेंगे मसल कम खींचेगी, तो उसके ऊपर एडिशंस बनने लग जाते हैं। ओके, तभी तो जो जितने पुराना होता जाएगा वो इतने में ही बाइसेप्स करेगा, वो काम वो उतने में ही करेगा। ये मैंने पहले अब आप उस फेस की तरफ जा रहे हो, ओके, अभी गए नहीं हो। इससे बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई है, तो ये वार्निंग साइन है इसके लिए कि इसको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, तभी मैं आपके पास आ गया। तो ये तो हम ठीक कर देंगे, दो दिन नहीं लगेंगे, 5 सेशन में तू महीनों महीनों के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तू अपनी एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ा स्ट्रेच कर लेगा तो वो चीज खुलती जाएगी बजाय रिस्ट्रिक्ट होते हुए। ये है प्रॉब्लम। मम के केस में डिफरेंटली होगा, बट प्रॉब्लम उनके भी केस में मोर लेस यही होती है। करेक्ट, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख चुके होंगे कि हमने इसकी कपिंग की है, पहले हाथ से रिलीज किया था इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि वो एडिशंस इतने डीप होते हैं कि आप स्किन को ही रब कर सकते हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से आप उस एडिशंस को और लूज करते हो ताकि वो और ब्लड में जाके वीनस ब्लड के साथ ड्रेन आउट हो जाए। कपिंग से हम स्किन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको फेशियल रिलीज, स्किन रिलीज बोलते हैं। एक्यूपंचर या ड्राई नीडलिंग से हम मसल को रिलीज करते हैं, तो जो मसल टाइट हो गई वो खुल सके। तो हमने स्किन पे काम किया, मसल पे काम किया, अब हम जॉइंट्स पे काम कायरोप्रैक्टिक करेंगे। नीचे वाला लेग स्ट्रेट,
चेंज कर लीजिए। क्रॉस पर इतना चेस्ट पर रख लो, इसको भी रख लो। यस देखो वो शर्ट भी टाइट है, बस बॉडी कितनी टाइट होगी इसकी। इजी ब्रेथ आउट, साइड टर्न, जिम करने के बहुत अच्छे फायदे भी और खराब भी। खराब कुछ नहीं है, बस कम से कम कपड़े तो लूज पहन सकते हो। ब्रीथ आउट, नाइस। वीडियो में ही देखी थी मैंने, पर आज मैंने एक्सपीरियंस किया। तो व्यूअर्स, ये पहले फोन करके शायद मैं एक दो बार पहले भी फोन किया था, तो ये कंफ्यूज था, एम आर आई कंफ्यूज था। तो पेशेंट का कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसके बॉडी में नाइफ जाएगा, फिंगर्स जाएंगी, कुछ और जाएगा। तो अपना कंफ्यूजन डॉक्टर के आने से पहले तक रखें, आने के बाद उस पर छोड़ दें कि व्हाट इज व्हाट एवर इज द बेस्ट। वो ज्यादा भी कुछ भी करेगा और उसको पता होगा कि वो आपके बेटे के लिए कर रहा है। करेक्ट। बहुत सारे लोग से ये सोच के आते हैं कपिंग करानी है या एडजस्टमेंट कराना है, तो देखिए डॉक्टर अगर टाइटनेस नहीं होगी तो वो इतना कुछ नहीं करेगा, थोड़ी बहुत चीजें करके वो भेज देगा। सो यू नो नाउ यू रिलीव साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली बोथ। या करेक्ट। या So what would you recommend to the viewers watching? I will recommend everyone ki you should visit this clinic, and the services are very good. Doctor is very, makes everything comfortable for us. So thank you so much. So we try and help everyone, whatever age group. Aisa nahi hai ki sirf 20-25 saal. I recommend my mother also, definitely. We look forward to treat her also. Yeah, definitely. Thank you so much. Welcome. So viewers, आपको अगर और भी बहुत सारी स्टोरीज हमारे पेशेंट्स की सुननी हो तो प्लीज आप और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और एक मेहरबानी जरूर करके जाना, वीडियो को देखने के साथ ही लाइक आइकन को हिट करना और बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है। हम आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहे इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन आपसे बेल आइकन हिट करना जरूर मांगते हैं ताकि हमारे भी व्यूअर्स, हमारे भी सब्सक्रिप्शन बढ़े। थैंक यू। थैंक यू।